अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आपके सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज मैं एक सेकंड ग्रेटेस्ट कंट्री के स्टूडेंट वीजा के हवाले से आया हूं। सेकंड मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि फर्स्ट पे मैं हमेशा से यूएसए को रखता हूँ, और उसको रखने की कुछ वजूहत हैं जिसको मैं 10 दफ़ा बता भी चुका हूँ और आने वाली वीडियोज में मजीद बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट वीजा है। लेकिन अगर कोई यूएस के अलावा अगर किसी कंट्री को मैं कंसीडर करता हूँ एज अ स्टूडेंट वीजा, जहाँ पर आप जाते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर कर लेते हैं, कुछ कमा भी लेते हैं, और इसके अलावा आपको जाना बड़ा चीपर पड़ता है, बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम पैसों में आप चले जाते हैं, और आफ्टर स्टडीज आप पीआर भी हासिल कर सकते हैं, आप वहाँ की रेजिडेंसी भी ले लेते हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में उसका नाम आता है, जहाँ पे आप ये समझ लेंगे ऑस्ट्रेलिया नाम ही निकल गया मेरे मुंह से कि यूएस के बाद किसी कंट्री का नाम आता है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम द पाकिस्तान। वो लोग जो ज्यादातर कहते हैं कि हमें इंटरव्यू फेस नहीं करना, हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो भाई उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिंपली आपको एक एडमिशन लेना होता है, और एडमिशन के साथ आपको यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है या कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब क्यों? कुछ वजूहात मैं आपको इसके पीछे बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो वेजेस हैं, जो आपकी इनकम है, वो काफ़ी बेहतर है। 15 से 20 डॉलर स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, जो आप पर आर कमा सकते हैं। आपको 40 घंटे पर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज में, एवरी 15 डेज यू विल हैव 40 आवर्स फोर्टनाइटली टू डू वर्क वाइल टू डू स्टडी। और जिस दौरानी में आपकी लीव्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं, वेकेशन होती हैं, उस टाइम पे आप फुल टाइम वर्किंग कर सकते हैं, और वेजेस बहुत हाई हैं। और अगेन, जिस तरह की एक तरह से फ्रीडम है जो कि यूएस में दी जाती है, उसकी कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन करीब करीब कंपेरिजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग काम करते हैं तो उनके साथ इतने कोई मसले मसाइल नहीं होते, बाकायदा तौर पर वो काम भी कर रहे होते हैं, उनके साथ इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर आप यूके को कंपेयर करेंगे तो यूके को तो आप किसी सूरत कंपेयर नहीं कर सकते। यूके में इतनी रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको 20 घंटे अलाउ दिए ना मेरे दोस्त, 21 घंटे आप काम कर रहे हो, और उनकी गवर्नमेंट को पता चल जाए किसी तरीके से, या तो आप अपनी बातों से बता दें, वेरिफिकेशन में बता दें, भाई आपके गले पड़ जाना। तो मैं अभी किसी की बुराई करने नहीं बैठा, मैं ऑस्ट्रेलिया की अच्छाई करने के लिए बैठा हूं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भाई आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना लाजमी है। सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस इनकी होती है आइल्स के हवाले से होती है, 5.5 बैंड हमें लाजमी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मिनिमम 12th एवरेज एजुकेशन होनी चाहिए, या अगर आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है तो यू आर इनकरेज टू अप्लाई। आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में है तो आपको ज्यादा तरजीह दी जाती है कि आप अप्लाई करें, बिकॉज आपको जॉब के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होती, आपको अपनी फील्ड में ही जॉब मिल जाती है, और साथ ही साथ आप अपना कैरियर कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और जो जिन लोगों ने एफएससी किया हुआ है उनके लिए भी एक पूरा पाथवे मैं दे रहा हूँ कि आप जाएं ऑस्ट्रेलिया, वहां पर कम से कम ट्यूशन फी, इतनी ट्यूशन फीस जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, इतने में आप यूके का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप जानते हैं 400 से पाउंड ऊपर जा चुका है, और डॉलर भी इस वक्त 325 रुपीज का है आज के रेट के मुताबिक। तो मेरा नहीं ख्याल करता कि इतने कम पैसों में कोई और कंट्री आप जा सकते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और प्रोग्राम्स के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम्स इसमें आपको जो मिलते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम मिलते हैं, आईटी के रिलेटेड प्रोग्राम मिलते हैं, और साथ ही साथ ये 2 साल का प्रोग्राम है और 1 साल का प्रोग्राम है। ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आपको फायदा क्या होता है और डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे मैं प्रमोट कर रहा हूँ डिप्लोमा को, लेकिन मैं डिसएडवांटेज भी बता रहा हूँ। जी, मैं डिसएडवांटेज भी बता रहा हूँ। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, आप उसके बाद लीड कर सकते हैं टू द बैचलर्स डिग्री, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन इसके साथ हम करते ही हैं, ज्यादातर जो एप्लीकेंट होते हैं वो डायरेक्टली डिप्लोमा पे जा रहे होते हैं और उनके वीजा के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उसमें हम एक यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, ताकि आपके लिए पूरा पाथवे बना देते हैं कि जी ये बैचलर्स के लिए ही जाना चाहते हैं, और उनके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपका जो आइल्स का है वो 5.5 बैंड हमें चाहिए मिनिमम। इसके अलावा अकेडमिक क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज डजंट मैटर, परसेंटेज से कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिनिमम मैं बता देता हूँ आज के रेट में, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है,
तो पहले भाई 40-45 लाख की क्लोजिंग बैलेंस काफी रहती थी, लेकिन इस वक्त आज के मामला में कम से कम 6.5 मिलियन पाकिस्तानी की क्लोजिंग बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट होना और पिछले 6 महीने का होना, ये नहीं कि पिछले 6 महीने उसके अकाउंट में इतने मौजूद थे, अभी क्लोजिंग बैलेंस 6.5 मिलियन का होना चाहिए और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे दें, 65 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस उसमें हो काफी है, भले आप 1 महीना पहले रखवा दें नो इश्यू, लेकिन 6 महीने का कवरिंग के साथ बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। ये चीज हो गई। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट इतना ज्यादा लेने की मतलब ये नहीं कि आपकी फीस इतनी जानी है, आपकी फीस कम ही जानी है, और आपकी जो फीस है वो साल की, वो मैं आपको बता देता हूँ, $8,250 ये पर ईयर में ट्यूशन फीस आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतने चीपर कोर्स में या इतने चीपर प्रोग्राम में आप नहीं जा सकते होंगे, और ये जो कॉलेज है ये आपका सिडनी में है, साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी साथ में अटैच करते हैं ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस हो जाएं ज्यादा से ज्यादा, और जब आप का वीजा लग जाएगा तो उसके बाद आपको इतने एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि मैं यूएसए से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता हूँ, अभी मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज के हवाले से न्यूज़ेस हैं, थोड़ा टाइम गुजरते गुजरते जब मेरे पास कंफर्म उनकी न्यूज होगी तभी मैं आपका कैरी करूंगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे मेरी बात चल रही है, तो वो भी आपकी मैंने आपको बता दिया। ट्यूशन फीस मैंने आपको इसकी बता दी है, अब आपने करना ये है कि दोस्त अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द रब्ता करें, आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यार मेरी परसेंटेज कम है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन एसओपी आपको बनाना जरूरी है। एसओपी एक तरह की एक थीम लेटर होता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी को मुखातिब करके अपना एम बता रहे होते हैं कि, या कॉलेज को मुखातिब करके कि जी मैं आ रहा हूँ, मैंने ये कोर्स करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बिजनेस मैनेजमेंट में आ रहे हैं, आपने पूरा ओवरव्यू देना है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा एसओपी के हवाले से, ताकि आपको पता चले कि आपने जो लेटर बनाना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कि आप कह सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लान इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये आपने लाजमी देना है। इसके हवाले से मैं वीडियो भी बना दूंगा, और जो लोग मुझसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, उनको भी मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसके 3-4 इनटेक्स हैं, लेकिन आपने जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें वीजा लगने में बहुत टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने लाजमी लगते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है जितना जल्दी हो सके आपका काम हो जाए, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। और इंशाल्लाह नई वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास, उसमें मजीद कोई अच्छा कॉन्टेंट और रियल, कोई रियल कॉन्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा मैं आपको चांद पे पहुंचा दूं और ऐसा कर ना सकूं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे और आपके सबके लिए आसानियां करें, आमीन सुमा आमीन।